Assalamualaikum, this is Varda Shoaib and welcome to रिवायतों की लज्जत। PTV Home लेके आया है आपके लिए रिवायत और सकाफत से भरा शो, जहाँ पे हम बात करेंगे रिवायतों की लज्जत की, जो कि आजकल की भाग दौड़ में कहीं खो गई है। रिवायती खाने हमने बनाना छोड़ दिए हैं, या अगर हम बनाना चाहते भी हैं तो वो हमें एक रेसिपीज़ नहीं मिलती जो हमें एक असली हमारा रिवायती जायका, जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, वो जायका जो हमारी नानी दादी के हाथों में हुआ करता था या हमारी मदर के हाथ में होता था, वो हमें नहीं मिलता। वो कैसे लेके आएँ आपकी डाइनिंग टेबल तक हमारे शो के ज़रिए, इसलिए हमने इन्वाइट किया है हमारे कुकिंग एक्सपर्ट्स को, जो आपको बनाना सिखाएंगी हमारे रिवायती खाने। तो आज की हमारी कुकिंग एक्सपर्ट हैं एनी, जो कि बनाना सिखाएंगी आपको बलोच के रिवायती खाने, जो कि बलोचिस्तान से रिलेट करते हैं। तो आइए बुलाते हैं एनी को। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए एनी। सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है? जी। अच्छा जी, तो आप हमें आज बलोची खाने बनाना सिखा रही हैं बेसिकली, राइट? अच्छा, आपकी मैं रेसिपी लिस्ट पढ़ रही थी, उसमें ये दो खाने बना रही हैं आज। एक तो चरसी कढ़ाई आजकल काफ़ी फेमस हो गई है, हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनती है, लेकिन जो उसकी ऑथेंटिक रेसिपी क्या है वो आज हम जानेंगे एनी के थ्रू। और दूसरी, एक दाल का नाम इन्होंने लिखा था जो कि है गमगीन दाल। इनका कहना है कि वो बलूचिस्तान की स्पेशलिटी है और बहुत शौक से खाई जाती है वहाँ पे। साउंड्स इंटरेस्टिंग, और हम बिल्कुल देखना चाहेंगे कि ये रेसिपी कैसे बनती है। तो आइए शुरू करते हैं जी। बिल्कुल अरमान रहीम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना फ्लेम ऑन कर लेंगे। ये मैंने अपना फ्लेम ऑन कर लिया और इसके साथ मैं ले लूँगी स्पून। थोड़ा सा इसमें से पानी ड्राई हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे ऑयल, और सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे अपनी प्याज। अच्छा जी, और प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, प्याज को जो है लाइट गोल्डन रखना है, क्योंकि ज़्यादा जो डार्क प्याज होती है वो कोरमे वगैरह में इस्तेमाल होती है। अच्छा नहीं, वो कोरमा काला भी कर देती है। अच्छा, सब एक सेकंड, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सबसे पहले आप बताएं हमारे व्यूवर्स को कि आप क्या बना रही हैं, गमगीन दाल कि चरसी कढ़ाई? गमगीन दाल, सबसे पहले गमगीन दाल जो हम प्रोसेस बता रहे हैं आपको, वो गमगीन दाल का प्रोसेस है। अच्छा जी, कंटिन्यू कीजिए जी। अच्छा जी, अब आप वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा पतीली थोड़ी सी गर्म हो जाए, फिर उसमें हम ऑयल डालेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे दाल जो है वो बॉईल करके लेके आई हैं? जी, मैं दाल बॉईल करके लेकर आई हूँ। मैंने एक दो कप दाल ले ली थी, उसको एक घंटा भिगो लिया था, उसके बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए पकाया। पकाने के बाद मैंने इतना इसको गला लिया कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए, ड्राई ड्राई ना। हाँ, मतलब यानी कि आपने इसको बहुत ज़्यादा, आप, मैं दिखाना चाहूँगी सर, क्लोज शॉट दिखाएँ प्लीज़, क्योंकि क्या कहते हैं इसको, देखिए आप, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने गला ली है दाल, यानी कि दाल खड़ी रहनी नहीं चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर गल जानी चाहिए, किसी भी हो ना ज़्यादा खड़ी हो, ठीक है, दरमियानी होनी चाहिए। चलें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल डाल लेंगे देगची के अंदर। ऑयल अपने आप हसब ज़रूरत भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद तो आप ज़्यादा डाल दें, अगर आप डाइटिंग वगैरह पर तो कम डालना चाहते हैं तो कम डाल लें। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले प्याज, और प्याज को हम, अरे प्याज कितनी ली है आपने? मैंने 2 अदद प्याज ले ली है, और अब हम इसको अच्छा सा शैलो फ्राई समझे, लाइट गोल्डन इस तरह कर लेंगे। अच्छा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देना है, लाइट गोल्डन कर लेंगे, ठीक है जी। इतनी प्याज ब्राउन करी क्यों? क्योंकि मैं इसको चिकन के साथ भी फ्राई करूँगी तो फिर हमारी प्याज काली हो जाएगी, तो ये मैं शामिल कर रही हूँ इसमें चिकन के पीसेस। आप चाहें तो इसकी जगह मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, कीमा ले सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। चिकन को डालते साथ ही चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा, इसका मतलब है इसका, इसमें जितना भी ब्लड था एक्सेस वो ड्राई हो गया है, वो हमारी ग्रेवी में शामिल नहीं होगा। इसी से अगर आप चिकन को मसाले में ऐड करेंगी तो फिर वो क्या है, थोड़ा सा ब्लड में आ जाएगा तो स्मेल सी हो जाएगी। अगर आप चिकन को फ्राई कर लेंगी तो आपके मसाले में कभी भी स्मेल नहीं। एग्जैक्टली, और चिकन का जो एक्सेस वाटर है वो भी ड्राई हो जाता है, तो चिकन अच्छे तरीके से भुन जाती है, जाती है, और उसमें जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट इसके आ जाएगा, अभी आप डालेंगे इसमें। अच्छा, ये मेरी चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है, देखिए प्याज भी, प्याज ने भी एक्सेस कलर चेंज कर लिया है, सही, ठीक है। अब हमने प्याज को ज़्यादा रेड नहीं करना है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डाल रही हूँ मैं, 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि चने की दाल जो होती है वो बादी होती है, तो इसकी बादीपन ख़त्म करने के लिए हम इसमें पुदीने का इस्तेमाल करेंगे, धनिया का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आने लगेगी
तो हम इसमें क्या करेंगे, ताकि ये जले ना हमारा अदरक लहसुन, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अच्छा, थोड़ा सा पानी आपने ऐड किया है ताकि जो मसाला ना जले। इसके अंदर पानी डालने के साथ मैंने इसमें चम्मच हिलाया, ये देखें, ताकि प्याज ओवर कुक ना हो, ओवर कुक ना हो जाए, लहसुन अदरक जले नहीं। अब इसके साथ ही मैं इसमें मसाले डालना शुरू करूँगी। हम क्योंकि प्रोग्राम हमारा रवायती है, तो हम बना रहे हैं अपनी रवायती खाना, उसके लिए मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च ले ली, ये आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। नमक मैं डाल रही हूँ हसब ज़रूरत, मैंने दाल में भी नमक डाला हुआ था इसलिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। हल्दी से दाल का ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है, जिस कहते हैं ना कि हमारी दाल अच्छी नहीं बनी, कलर नहीं आ रहा, तो क्या है मसला, हल्दी का। हल्दी को मैंने 1 टीस्पून डाला। अच्छा, आपने दाल उबालते हुए इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया? फिलहाल मैंने नहीं किया, आपको मैं बता रही हूँ, एक टिप बता रही हूँ कि अगर आप चाहें तो आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया, इससे भी क्या होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम जो होता है ना वो नहीं होता है। 2 टीस्पून आपने धनिया डाला, आपने 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला, नमक डाला आपने हसबे जायका, और हल्दी हमने इसमें इस्तेमाल की 1 टीस्पून, और साथ ही मैं इसमें चॉप टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। चॉप है तो चॉप डाल लें, अगर चॉप टमाटर नहीं है आपके पास, पेस्ट है तो आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। कितने टमाटर आपने? मैंने इसमें एक टमाटर को लेके चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल। अच्छा, सिर्फ एक टमाटर उन्होंने ऐड किया। अच्छा, एक बात हम नोट कर रहे हैं कि एक आप जो है कंटिन्यू जैसे जैसे जो चीज़ें डाल रही हैं आप उसमें हमारा मसाला जले नहीं, ओवर कुक ना हो जाए, और जो हमारी हमारी ग्रेवी का जो कलर है ना वो वैसा अच्छा ही आना चाहिए जैसे हमने मसाले डाले। अच्छा, और अगर हम पानी का छींटा नहीं देंगे तो इससे क्या होगा, काला सा कलर आएगा। अच्छा, हमके मसाले जल जाएंगे इसमें। ओ अच्छा, तो ये बलूचिस्तान साइड पे स्पेशली इस तरीके से ही प्रॉपर मसाले भुने जाते हैं, हल्का सा पानी का छींटा डाल डाल के? जी, क्योंकि अच्छा, वो ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करते, ये 4 मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अच्छा, नमक मिर्च हल्दी धनिया। हाँ जी, और जो गर्म मसाला है वो ऑप्शनल है, वो मैं दाल को खुशबू देने के लिए डाल रही हूँ, ज़रूरी नहीं, अगर है तो डालें, नहीं है तो ज़रूरी नहीं। गर्म मसाला तो है एक कॉमन सी चीज़ है जो कि आई थिंक हर घर में अवेलेबल होता है। अच्छा, देखिए उन्होंने फिर दोबारा पानी ऐड करा है, और मैं चाहूँगी कि इसका अगर हम एक शॉट ले सकते हैं अंदर दिखाने के लिए कि किस तरह से जो है वो कलर इसका डिफरेंट आ रहा है और किस तरह से मसाला कंटिन्यू जो है वो भुन रहा है, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले। अच्छा, टमाटर भी इसी में ही गल जाएंगे, राइट? टमाटर, रेड चिली, जबकि ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो गया है मसाले के अंदर, लेकिन स्टिल हम इसको अभी मज़ीद भुनेंगे, राइट? अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल के मैं इसको मध्यम आँच पर पका लूँगी, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। इसके बाद मैं इसमें चने की दाल शामिल कर लूँगी, और उसके बाद हम बनाएंगे भगार। अच्छा, बस दैट्स सो सिंपल। अभी आपने इसको डाला और अब इसमें हम बॉईल की हुई दाल डाल देंगे, सही? और ठीक है, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे इसको, उसको देंगे भगार, जो गमगीन दाल में लगाया जाता है चर्बी का। अच्छा जी, अब आप देखिए ऑयल भी सेपरेट हो रहा है, तो आप दोबारा से इसमें पानी डाल रही हैं? जी, मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल रही हूँ, ताकि चिकन का जो कच्चा पान है वो ख़त्म हो जाए और हमारी चिकन अच्छे से गल जाए। अच्छा, इसको हम कवर करके नहीं कुक करेंगे? कवर करेंगे। अच्छा, चिकन को जैसे पहले भूनते वक्त हम थोड़ा सा लिड लगा देते हैं ताकि इस तरीके से अंदर से गल जाए। जी, अब मैंने इसका लिड कर दिया बंद, और फ्लेम को कर लिया मैंने स्लो, फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है। आपने सब कुछ बना लिया और आपकी आपका चूल्हा तेज़ जलता रह गया तो आपका सब कुछ खाना जो है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने कर लिया स्लो। अब हम इसको 5 से 7 मिनट का दम देंगे, ताकि चिकन हमारी अच्छे से कुक हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चने की दाल, दाल उबाल के रखी हुई। सही, तो बहुत जल्दी ही हमारी झटपट रेसिपी बन जाएगी। जब तक हम 5-10 मिनट देते हैं चिकन को गलने में, आप जाके लीजिए छोटा सा ब्रेक, और फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बताएंगे आपको इसका अगला प्रोसेस। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और रिवायतों की लज्जत में बन रही है गमगीन दाल और चरसी कढ़ाई। ब्रेक पे जाने से पहले हमने चिकन को जो है वो थोड़ा सा गलने के लिए रख दिया था, और अब हम वापस आए हैं तो हम चरसी कढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल ज़्यादा गर्म करना था तेज़, तो हमने ब्रेक में ही ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। अच्छा, ऑयल आपने इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, कितना कप यूज़ किया है तकरीबन? इसमें मैंने 1 बड़ा कप 1.5 कप मैंने इसमें यूज़ कर लिया, कम से कम आधी कढ़ाई से थोड़ा सा कम है, इसे बाद में हम रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि इसमें हम फ्राई करेंगे चरसी कढ़ाई बेसिकली। अब चरसी कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, मैंने 1/2 kg चिकन ले लिया है, 6 से 7 टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को मैंने इस तरह छुरी में लगा कर
चूल्हे पे सेक लिया, सेकने के बाद इसका सारा जो छिलका था ये उतार लिया और उसके बाद मैंने इसको पीस लिया अच्छे से, पीस के ये पेस्ट बना लिया, क्योंकि उसका छिलका रिमूव करना होता है ये आसान तरीका है कि हम इसका छिलका रिमूव कर दें, और मैंने इसका पेस्ट बना लिया। इसके साथ में इसमें काली मिर्च, अदरक, चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च डालूंगी। इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता और ये बहुत कम मसालों की स्पेशलिटी है, वो ये टमाटर के पेस्ट पे। अच्छा, बेसिकली चरसी कढ़ाई टमाटर को रोस्ट करके आप उसका छिलका रिमूव करें और उसके बाद उसका पेस्ट बनाएं, तो ऑफ कोर्स इसका फ्लेवर भी डिफरेंट आएगा। अब मैं चिकन को डीप फ्राई कर रही हूँ, इसलिए मैंने चिकन को क्या किया है, ड्राई कर लिया, सुखा लिया, यानी टिश्यू पेपर के ऊपर रख के इसको, इसका एक्सेस वाटर जो है वो मैंने निकाल लिया है ताकि हमारा ये कम से कम चीटे उड़े। अच्छा, चिकन पे अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया, कुछ नहीं लगाया, बस सिर्फ सिंपल चिकन को वॉश करके आपने पैन ड्राई कर लेना है, थोड़ी देर के लिए आप उसको रख दें ताकि वो ड्राई हो जाए, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा डीप फ्राई करना है, इसलिए हमने ऑयल भी ज़्यादा लिया था और अब हम इसी में चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा पानी इसमें है तो ये उछलेगा, तो मैं इसको कवर कर देंगे। साथ ही मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है, अब हमने क्या करना है, इस मसाले में हमने दाल को शामिल कर लेना है। मसाला भुनने की निशानी ये होती है कि जब आपका ऑयल ऊपर आ जाता है, यानी मसाले का जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है, तो इसे पता चलता है हमें कि हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसके साथ हम इसमें क्या करेंगे, जो दाल मैंने बॉईल करके रखी हुई थी ये मैंने सारी की सारी डाल दी। 2 कप दाल थी जी चने की, उन्होंने पहले से बॉईल करी थी सिर्फ नमक डाल के, और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया था उसमें, और अब इन्होंने चिकन के साथ हमने जो है वो दाल ऐड कर दी है। ऑलराइट, इसको हम यहाँ साइड पर रख देते हैं। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा, ये मैंने डाल दिया 1 टीस्पून के करीब। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें। अच्छा, आपने बारीक पतली वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल करी हैं, राइट? पतली वाली क्योंकि तेज़ होती हैं। अच्छा, यूजली लोग दाल में या कोई खाना बनाते हैं उसमें मोटी वाली बुलेट चिलीज़ यूज़ करते हैं, कि कहते हैं कि उसकी खुशबू एक तो बहुत अच्छी आती है और उसमें तीखापन ज़्यादा नहीं होता। हम इसमें कम मसाला इस्तेमाल मिर्चें डाल रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें आपने छोटी वाली मिर्चें जो है वो तीखापन देने के लिए इसमें मिर्चें छोटी मिर्चें इस्तेमाल करी। साथ ही मैंने इसमें धनिया डाल दिया और इसकी इसका बादीपन ख़त्म करने के लिए हम इसमें पुदीना डालेंगे। फ्रेश पुदीना, जब भी आप चने की दाल बनाएं पुदीना ज़रूर डालें इसके अंदर। सही जी, बिल्कुल। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जैसे ही हम ये फ्राई होगा भुन जाएगा अच्छे से, तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अच्छा, और बस लास्ट में इसमें हमें और कुछ नहीं करना, लास्ट में मैं इसे गर्म मसाला थोड़ा सा आपने अराउंड हाफ टीस्पून गरम मसाला। अच्छा जी, आखिर में इसमें हमने हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा उसको चलाएंगे, एंड देन इसको हमने दम पे रखना है। दम पे रखना है, ये हमारी गमगीन दाल मज़ेदार सी तैयार हो गई है। अच्छा, लिड को मैंने कवर कर दिया और इसको हम कितनी देर के लिए दम पे रखेंगे? मैंने स्लो कर दिया इसको, हम 5, क्योंकि दाल तो पकी हुई है, चिकन भी गली हुई है, तो 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे। 5 से 7 मिनट के दम रख पे रख देंगे। सही जी। अच्छा, चिकन का क्या हाल है, जब तक हम दूसरी तरफ देख रहे थे कि चिकन का क्या हाल है। चिकन फ्राई हो रहा है, चिकन को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक, यानी जब तक अच्छा, ये गोल्डन ब्राउन नहीं होगा इसको फ्राई करना है। चिकन का कलर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, अंटिल हम जब तक इसका हमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं मिलता लाइट, तब तक हम इसको चिकन को फ्राई करेंगे। अच्छा जी, वरना जर्सी कढ़ाई का टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, जर्सी कढ़ाई का बेसिकली तरीका ही ये है कि आपने चिकन को ब्राउन यानी रेडिश ब्राउन कर लेना है। अच्छा, अब बगैर कुछ डाले, सिर्फ अदरक का पेस्ट भी नहीं डाला इसमें हमने। अगर आप कहें कि मैं इस तरह है और मैं कुछ मसाले डाल दूं तो फिर इसका टेस्ट जो है ना कड़ा चरसी कढ़ाई का नहीं आएगा, आम कढ़ाई का फ्लेवर है। अच्छा, चरसी कढ़ाई में जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह कुछ नहीं डलता? कुछ भी नहीं डलता। अच्छा, क्योंकि ये पिशावर साइड पर कोयटा में ऐसी मसालों के बगैर खाई जाती है। इसकी स्पेशलिटी है कि इसको फ्राई करते हैं और उसमें टमाटर डालते हैं। अच्छा, और इसमें चिकन की स्मेल नहीं रहती? नहीं, चिकन की कभी भी स्मेल नहीं होती, स्मेल जो होती है वो गोश्त की होती है। हाँ जी, तो चिकन में इतनी स्मेल नहीं आती क्योंकि फैट फ्री होता है, वाइट मीट है, तो इसकी स्मेल नहीं होती, तो इसके लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इसे गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सही, और जब तक चिकन जो है वो हमारी गोल्डन ब्राउन हो रही, क्योंकि बहुत जल्दी पकने वाली रेसिपी है ये, दाल जो है हमें दम पे रखी हुई है, सब टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे और जब वापस आएंगे तब तक चिकन जो है वो ब्राउन हो चुकी होगी और फिर हम बताएंगे आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।
जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और रिवायतों की लज्जत में बन रही है गमगीन दाल और बन रही है चरसी कढ़ाई। ब्रेक पे जाने से पहले हमने चिकन को जो है वो फ्राई होने के लिए रख दिया था, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आ गया है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि आपको पता चले कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्राई हो गई है ये। इस तरह से आप ये देखें प्लीज़ ना, अगर आप ये देखें सामने कैमरा आपको नज़र आ रहा है, देखिए इन्होंने प्योर प्रॉपर फ्राई कर ली है डार्क। एक इसको क्रिस्पी, जैसे कि एक बहुत डार्क ब्राउन से एक कलर है, इसको हम लाइट गोल्डन नहीं कहेंगे, बट इट्स कम्प्लीटली फ्राइड चिकन। पूरी अच्छी तरीके से उन्होंने इसको जो है वो फ्राई कर ली है, और उसके बाद क्या किया है, जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो एक्सेस ऑयल जो है वो रिमूव कर लिया है, राइट। और अब इसके बाद जो है इस पर टमाटर ऐड कर रहे हैं जी। बस एक्सेस ऑयल मैंने इसमें से निकाल लिया, अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट जिसका मैंने छिलका उतार के रखा था जी वो डाल दूंगी। अगर आप चाहें आप छिलका उतार के साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं, फौरन से गल जाएंगे आपके टमाटर। ये मैंने शामिल कर दिया इसमें टमाटर, टमाटर का ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा चिकन के अंदर। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें मैंने काली मिर्च 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी। काली मिर्च, नमक आप ले लें हस्बे ज़रूरत, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से। मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, साथ कुटी हुई मिर्च ये भी मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अच्छा, मिर्च बहुत कम डली है इसमें, 1 टीस्पून जी। जिसकी स्पेशलिटी है ना वो है हरी मिर्च। अच्छा, ठीक है। इसमें कटी हुई और साबुत हरी मिर्च दोनों डाल रहे हैं हम, और जब हम इनको गार्निश करेंगे तब भी हम हरी मिर्च और अदरक के साथ करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको कितनी देर के लिए रखेंगे इसको? बस हम जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा हम इसे डिश भून के डिश आउट कर लें। अब आप भगार लगाएंगी इसका? अच्छा, भगार किस चीज़ का लगाएंगी आप? भगार मैं लगा रही हूँ देसी घी और अदरक का। अरे वाह, खुशबू वैसे वाकई बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अच्छा जी, तो हम इसको पीछे रख देते हैं और हम पैन ले लेते हैं यहाँ पे। सही, आपको पैन की ज़रूरत है इसके लिए, भगाड़ के लिए पैन ले लेते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास देसी घी के अलावा अगर हम मक्खन यूज़ करना चाहें देसी घी के साथ, हम थोड़ा सा मक्खन घी जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ज़बरदस्त, सही, हम घी डाल दें इसमें। अच्छा जी, मैं यहाँ पर बताना चाह रही थी आपको कि बेसिकली गमगीन दाल के अंदर दुम्बे की चक्की का जो है वो भगाड़ लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आप नहीं चाहते दुम्बे की चक्की का इस्तेमाल करना, तो उसका ऑल्टरनेटिव जो है आप देसी घी या देसी मक्खन उसका जो है ऑल्टरनेटिव एज ए उसको यूज़ कर सकते हैं। भगार के लिए यहाँ पे जो है आपने घी लिया है एज पर योर रिक्वायरमेंट, या इसमें कोई मेजरमेंट है इसकी, आपको कितना घी देना आपको है? अच्छा लगता है उस हिसाब अच्छा। से आप घी ले लें। इसमें मैंने डाल दिए अदरक के स्लाइसेस, जूलियन कट करके अदरक जो है वो डाल दी है इन्होंने, और हरी मिर्च भी दूँ मैं आपको? हरी मिर्च भी डालेंगे आप? हरी मिर्च अगर मैं इसमें डालूंगी तो वो फट जाएगी। अच्छा, नहीं कटी हुई हरी मिर्च अगर आप डालना चाहें तो मैं इसको ऐसे ही गार्निश। अच्छा, ऐसे ही डालेंगी आप? अच्छा जी, अदरक को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। सही, फट जाएगी ये जी। और ये डाल दिया मैंने इस पर जबरदस्त भगार। चलें जी, भगार हो गई हमारी रेडी। और कितनी अच्छी एकदम से खुशबू आई है इसकी, अदरक की और दाल की। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना, धनिया और साबुत हरी मिर्च। वाओ, ये डाल दी मैंने इसके अंदर, और गरम मसाला ऑप्शनल है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसमें डाल दिया है। जबरदस्त, हमारी गमगीन दाल मज़ेदार सी तैयार हो गई है। वेरी गुड, जबरदस्त। आप इसको टेस्ट करके बताएंगे? मैं टेस्ट करके बिल्कुल बताऊंगी आपको। और हमारा चरसी कढ़ाई जो है वो भी रेडी हो रही है, रेडी हो रही ऑलमोस्ट। जब हम थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे, पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो चुका है इसका, जब तक हम करते हैं इसकी भुनाई आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रिकैप। गमगीन दाल, अज्जा, तेल 1 कप, प्याज 2 अदद, चने की दाल 500 ग्राम, मुर्गी 500 ग्राम, अदरक लहसुन 2 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक हसबे जायका, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय का चम्मच, टमाटर 1 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, पुदीना चंद पत्ते, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, देसी घी 1/2 कप, अदरक भगार के लिए। तरकीब, पैन में तेल और प्याज डालकर प्याज को लाल कर लें। प्याज के लाल होने पर उसमें अदरक लहसुन और मुर्गी का गोश्त भून लें। फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया और टमाटर डालकर दरमियानी आंच पर पकने दें। मुर्गी के गलने पर इसमें गली हुई चने की दाल शामिल करके पकने दें। तैयार होने पर पिसा जीरा, हरी मिर्च और पिसा गरम मसाला डालकर दम लगा लें। देसी घी और अदरक का भगार लगा लें। गमगीन दाल तैयार है। चरसी कढ़ाई, अज्जा, तेल 2 कप, मुर्गी का गोश्त 500 ग्राम,
टमाटर 500 ग्राम, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, अदरक सजाने के लिए। तरकीब, पैन में तेल और मुर्गी का गोश्त डालकर गोश्त को फ्राई कर लें। गोश्त के फ्राई होने पर इसमें टमाटर, काली मिर्च, नमक, कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्च शामिल करके थोड़ी देर पकने दें। टमाटर का पानी खुश्क होने पर भून लें। कढ़ाई तैयार है। जी जनाब, रेसिपी कार्ड आपने नोट कर लिया, क्योंकि जो आज की रेसिपी है वो थोड़ी सी हट के है, बलूचिस्तान की जान है ये रेसिपी, जो कि है गमगीन दाल और चरसी कढ़ाई। अब हम इसे डिश आउट कर लें। क्योंकि कढ़ाई बनाई है तो इसलिए मैं इसे कढ़ाई डिश आउट कर रही हूँ। अच्छा जी, चलें जी, आपके पास एक और दो मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं वो आपको मिल गई हैं, जो कि हम अपने घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट, अगर कुछ हट के बनाना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें दे के बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। और इतनी क्विक झटपट बनने वाली रेसिपी है कि जब घर में कोई अचानक से गेस्ट आ गए हैं, और घर में चिकन तो ऑलमोस्ट आपके पास ही अवेलेबल होती है, और अगर आपको क्विकली कुछ बनाना है, आपने फौरन झटपट जो है वो चिकन निकाली और आपने चरसी कढ़ाई बना ली, और बिल्कुल कम मसाले हैं इसमें, से 3 मसाले इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादा मसाले इस्तेमाल भी नहीं होते, आप बनाएं, सर्व करें और गरम गरम नान के साथ जो है वो आप उसको खाएं, और कितने मज़े की लगेगी। ये देखें कलर कितना खूबसूरत आया है इसका, रेड, और ये रही दाल, गमगीन दाल, और ये भी बहुत भगाड़ लगा के ऊपर से बहुत ही मज़े की लग रही है। इसको गार्निश कर देंगे जूलियन अदरक और हरी मिर्चों के साथ, एंड देयर यू गो द फाइनल प्रेजेंटेशन। देखने में ही कितनी डिलिशियस लग रही है, और थैंक यू सो मच एनी, आपने इतनी अच्छी रेसिपीज हमारे साथ शेयर करी, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही लेते हैं आपसे इजाज़त आज के शो के लिए, लेकिन फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में कुछ नई मज़ेदार सी डिफरेंट और यूनिक और रिवायती रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।